मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर घमासान मचा हुआ है। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के अभियान की शिवराज सिंह चौहान ने हवा निकाल दी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि केवल दारू बंद करने से शराब बंद हो जाएगी तो उन्हें शराब बंद करने में एक दिन नहीं लगेगा, इसलिए नशा मुक्त समाज बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जैसे जैसे ये अभियान चलेगा लोग शराब छोड़ेंगे तो अपने आप शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। सीएम शिवराज के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और शराबबंदी की मांग के साथ ही सीएम शिवराज से अपनी नजदीकियों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री शिवराज सिंह चौहान जी से 1984 से मार्च 2022 तक सम्मान एवं स्नेह के संबंध रहे। शिवराज जी ऑफिस जाते समय या मेरे हिमालय प्रवास के समय या मेरे किसी भजन का स्मरण आने पर या तो मुझसे मिलते थे या फोन करते थे। मैंने शिवराज जी से 2 साल हर मुलाकात में शराबबंदी पर बात की है। अब बात बाहर सामने आ गई है तो भाई ने अनबोला क्यों कर दिया है और मीडिया के माध्यम से बात क्यों करने लगे हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान ने परसों कहा कि लोग शराब पीना बंद कर दें तो मैं शराब की दुकानें बंद कर दूंगा। जब लोग शराब पिएंगे ही नहीं तो दुकानें चलेंगी ही नहीं तो वो खुद ही बंद हो जाएंगी। अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए तो पुलिस एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये तो कानून व्यवस्था का सवाल है। इसके साथ ही उमा भारती ने सरकार को सुझाव देते हुए कहा, आहातों में शराब परोसने की व्यवस्था हम तुरंत बंद करें। स्कूल, अस्पताल, मंदिर एवं अन्य निषिद्ध स्थानों के पास शराब की दुकानें भी बंद हो। घर घर शराब पहुंचाने की घिनौनी व्यवस्था तुरंत रुके। दरअसल उमा भारती कई महीनों से शराबबंदी अभियान के लिए काम कर रही हैं, लेकिन समय की कमी के कारण वो अभियान को रफ्तार नहीं दे पाई थी, लेकिन अब वो ज्यादा सक्रिय दिख रही हैं। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात भी की। नई शराब नीति आने के पहले शराब की दुकान पर जाकर लोगों की राय ली और एक दुकान पर पत्थर भी फेंका, मगर राज्य में नई शराब नीति आई तो उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे नाराज होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश सरकार को शराब बेचकर राजस्व कमाने का आरोप लगाया था।